एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल होप ऑल आर डूइंग एबसोल्यूटली फाइन आज की हमारी रेसिपी है ये इजी सी डिजर्ट रेसिपी कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे आज हम और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत डिलीशियस बनता है बहुत ज्यादा तामझाम नहीं तो है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं लूंगी दूध तो ये मैं 500 हंड्रेड दूध लूंगी ये मैंने कप लिया है एक कॉफी के साथ आता है तो ढाई सौ करके मेजरिंग के लिए आप जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज वो ले लीजिए अदरवाइज अंदाजे से डाल सकते हैं अभी हम इसको बॉईल होने देंगे और जब तक अपना कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये दूध लिया है आप अलग से ले सकते हैं या फिर आपका जो 500 हंड्रेड आपने लिया हुआ था वो ले सकते हैं और इसमें डालेंगे हम दो टेबल स्पून कस्टर्ड के वनीला कस्टर्ड लिया है मैंने आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं बट वनीला में थोड़ा फ्लेवर अच्छा लगता है और बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है किसी भी मार्केट में कहीं पे भी आप चले जाइए इजीली शॉप्स पे अवेलेबल है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध जब हमारा बॉईल हो जाएगा उसमें डाल देंगे हम चीनी और इसको अच्छे से मिक्स होने देंगे तो एक्चुअली हमने उसको मिक्स इसलिए किया है कस्टर्ड को दूध में क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कस्टर्ड पाउडर को बॉइलिंग मिल्क में डाल देंगे ना तो उसमें बहुत सारा बहुत सारे लम्स हो जाएंगे तो थोड़ा सा इसको घोल के लगातार स्टर करते हुए डालेंगे तो लम्स नहीं होंगे अदरवाइज वो कस्टर्ड क्या होगा एक जगह इकट्ठा हो जाता है क्योंकि कस्टर्ड में कॉर्नफ्लॉर होता है और वो बहुत स्टिकी होता है तो इसलिए अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए लगातार चलाते हुए ऐसे कस्टर्ड को अपना घोल डाल देंगे इसके अंदर जब हमारा मिल्क मेल्ट हो जाएगा और अब इसको तीन से चार मिनट हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉईल करना है ताकि हमारे जो कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड का आ, कच्चा बने वो निकल जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है अदरवाइज जब आप रेफ्रिजरेट करेंगे तो वो बहुत लंपी सा हो जाएगा तो अभी देखिए जब आप इसको ऐसे पैचूला के ऊपर लेंगे ना तो एक आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये इसके ऊपर टिका हुआ है और आपको एक अलग सी लाइन दिख गई जो मैंने ऐसे चलाई तो इसका मतलब है ये रेडी है बस अब कुछ सेकेंड एक बार फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके एक बॉइल लगवाएंगे और फिर इसकी फ्लेम को हम कर देंगे बंद तो अभी ये रेडी हो चुका है मैंने फ्लेम पे हाई कर लिया था फ्लेम को और आपको साइड से उबलता हुआ भी दिख रहा होगा नाउ दिस इज डन अब मैं इसको निकाल देती हूँ एक बाउल में जा ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए कढ़ाई में टाइम लगेगा क्योंकि कढ़ाई गर्म है और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं ये देखिए आपको साइड से उबलता हुआ दिख रहा है और अब मैं इसको इस बाउल में निकाल देती हूँ और इसको रूम टेम्परेचर पे हम लेके आएंगे उसके बाद रेफ्रिजरेट करेंगे उससे पहले नहीं कर सकते गरम को आप सीधा फ्रिज में नहीं रख सकते तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद हमें इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे और रेफ्रिजरेट करेंगे तो अभी देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है अब हम अपने फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे तो वट यू कैन डू इज़ आप इसको ऐसे ही रेफ्रिजरेट कर दीजिए और फ्रूट्स को अलग से ठंडा कर लीजिए बाद में मिक्स कर लीजिए अदरवाइज मिक्स करके और फिर रेफ्रिजरेट कर लीजिए कोई भी डिफरेंस नहीं होगा तो अभी ये मैंने फ्रूट्स लिए मैं आपको दिखा देती हूँ बनाना ग्रेप्स पोमीग्रेनेट और ये कुछ ऐपल्स आप अपनी मर्जी से कि कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं बस वाट बहुत ज़्यादा वाटरी वाले मत लीजिए जैसे वाटरमेलन तरबूज ये सारी खरबूजा ये सारी चीजें और बाकी कुछ भी ले सकते हैं कीवी ले सकते हैं काले ग्रेप्स ले सकते हैं पाइन ले सकते हैं मैंगो ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है तो अभी इनको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अपने कस्टर्ड में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें अनार बहुत सुंदर दिखता है जब आप डालते हैं तो इसलिए अनार ज़रूर डालिए और इसको अब मिक्स कर देते हैं अच्छे से नव हैव मिक्सड इट वेल और अब मैं इसको रेफ्रिजरेट करूंगी पाँच छः घंटे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और चिल्ड हो जाए क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है तो अभी रख देती हूँ मैं इसको फ्रिज में तो छह घंटे हो चुके हैं और आपको ऐसे पकड़ने से भी मेरे बोल जैसे मैंने रखा तो भी पता चल रहा है कि ये काफी थिक हो चुका है तो ये देखिए मैंने आपको कंसिस्टेंसी दिखाई थी उतना पतला रखने के बाद जब हमने रेफ्रिजरेट किया तो ये इतना गाढ़ा हो गया अगर आप उससे ज्यादा पका देंगे ना तो ये बहुत ज्यादा लंपी सा हो जाएगा और बहुत टेस्ट नहीं आएगा फिर उतना अच्छा तो बहुत ज्यादा गाढ़ा ना करें इसको और जब खाना हो तभी फ्रिज से निकालिए अदरवाइज जब आप बाहर निकाल के रख देंगे तो ये वापस पतला हो जाएगा तो नाउ दिस इज डन थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं जो भी आपकी मर्जी के फ्रूट्स हो आपको पसंद हो इनफैक्ट यू कैन आल्सो ऐड ड्राई फ्रूट्स आल्सो तो अभी ये देखिए हमारा खूबसूरत सा डिलीशियस सा बहुत इजी सी रेसिपी है कस्टर्ड रेडी है तो बनाइए सर्व कीजिए अपने गेस्ट को और अपने बच्चों को ट्रीट कीजिए एकदम टेस्टी सी और मीठे के चक्कर में खा भी लेंगे फ्रूट्स भी खा लेंगे तो काफी हेल्दी सा अच्छा सा ऑप्शन है तो जरूर ट्राई कीजिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको रेसिपी कैसी लगी मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में टिल दैन बाय टेक केयर डो नॉट फॉर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू गाइस कैन ऑल्सो चेकआउट माई इंस्टाग्राम पेज एंड प्लीज डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज सी यू गाइस सुपर सून बाय बाय